हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे फिनएयर एयरलाइंस की केबिन क्रू जॉब्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, और साथ ही हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो कि आपके डाउट्स क्लियर करने में मदद करेंगे इस जॉब से रिलेटेड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Myself, Anjali Tomar, HR Manager at Aircruise Aviation Private Limited. जो कंटेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे वो हैं मीनिंग, रिक्वायरमेंट्स, बेनिफिट्स और एट लास्ट कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स। फर्स्ट इज मीनिंग। Finnair इज द फ्लैग कैरियर और लार्जेस्ट एयरलाइन ऑफ फिनलैंड, जिसके हेडक्वार्टर्स वांटा में हैं। कस्टमर सर्विस, स्टॉक प्राइस, अलायंस, बैग इंफॉर्मेशन, हेडक्वार्टर्स, सीईओ और हब, इनकी इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। द रिक्वायरमेंट्स, सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीटेड होनी चाहिए जो कि अपर सेकेंडरी या फिर वोकेशनल स्कूल से हो। एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कस्टमर सर्विस, आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी रिक्वायर्ड है और साथ ही फिनिश में भी आपकी फ्लुएंसी रिक्वायर्ड है, जो कि हाईली वैल्यू की जाएगी आपकी अदर लैंग्वेजेस के साथ साथ, क्योंकि फिनिश उनकी नेशनल लैंग्वेज है और ये सारी लैंग्वेजेस आपका एक असेट माना जाएगा आपकी एबिलिटी और विलिंगनेस ये अंडरस्टैंड करने के लिए और फॉलो करने के लिए। इंस्ट्रक्शंस को काफी रिक्वायर्ड होती है। आपकी हाइट मिनिमम 160 सेंटीमीटर यहाँ पर रिक्वायर्ड है। डिस्टिंक्ट विजुअल अक्यूटी, जो कि आपकी बोथ आईज को यूज करके 0.7 या फिर उससे बेटर होना चाहिए। आपका कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए। साथ ही आपको स्विमिंग भी आनी चाहिए मिनिमम। आपकी जनरल हेल्थ गुड होनी चाहिए, जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट EASA पार्ट मेडिकल कैबिन क्रू एंड फिनएयर रेगुलेशंस के हिसाब से होगी। आपको कोई विजिबल टैटूज या फिर पियरिंग्स या फिर टीथ ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए। बेनिफिट्स सैलरी रेंज में भी है और कई दूसरे बेनिफिट्स भी हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर एयरलाइन, आप हमारी एयरलाइन के बारे में क्या जानते हैं। ये क्वेश्चन जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स आपसे कर सकते हैं, जो कि असेंशियली ये चेक करने के लिए होगा कि आपने अपना होमवर्क यानी कि इस एयरलाइंस के बारे में जाना है या फिर नहीं जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप इंटरव्यू देने जाने से पहले सारे इंफॉर्मेशन के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिए और फैमिलराइज कर लीजिए अपने आप को उस एयरलाइंस से, ताकि उससे रिलेटेड डिटेल्स आपको इजीली बताते आए। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एयरलाइन के सारे ऑपरेशनल फीचर्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि उसके पास कितने एयरक्राफ्ट्स हैं या फिर उसके फ्लाइंग रूट्स क्या क्या हैं और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं। ये एक गुड आइडिया है कि आप मेंशन करिए उस कंपनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उसके एम्प्लॉयर्स के सामने, जो कि आपने नोटिस किए हों इंडस्ट्री वेबसाइट्स पर, न्यूज़ में या फिर मैगजीन आर्टिकल्स में पढ़े हों। अल्टीमेटली आपको ये शो करना है कि आप उस एयरलाइंस के बारे में अवेयर हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो है, आप अपने आप को
5 years में या अपकमिंग 5 years में कहाँ देखते हैं? ये एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, पर एयरलाइन इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो स्टाफ टर्नओवर कैन बी हाई एंड यू आर एसेंशियली बीइंग आस्क्ड कि आप अपने आप को कितने प्लान के अलोंग देख रहे हैं। आफ्टर ऑल ये केबिन क्रू मेंबर्स के लिए काफ़ी कॉमन है कि उन्हें स्मॉलर एयरलाइंस के साथ एक्सपीरियंस गेन करें और बिगर एयरलाइंस पर जंप कर जाएं। और अगर ये आपका लॉन्ग प्लान है कि आपको इस एयरलाइन से कहीं और शिफ्ट भी होना है, पर आप एम्प्लॉयर के सामने इंटरव्यू में ये मेंशन नहीं कीजिए। इंस्टेड आप ये बात कीजिए कि आप किस तरह से अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हैं और लर्निंग और इम्प्रूविंग योर सेल्फ, यही आपका मेन टारगेट है। और साथ ही आप मेंशन कीजिए कि आप उस एयरलाइंस को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के कितने कॉन्फिडेंट हैं और आप अपने पैशन को हमेशा फॉलो करना चाहते हैं। थर्ड और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि उस जॉब के लिए की स्किल्स और कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं जिनके लिए एम्प्लॉयर्स आपको सेलेक्ट करेंगे। आपको इस आंसर के बारे में अच्छी तरह से इंटरव्यू के पहले सोच लेना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एयर हॉस्टेस की जॉब के लिए डील कर रहे हैं जिसमें कि आपको हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स के साथ डील करना पड़ेगा हर रोज, वहाँ पे आपको एक एक्सीलेंट कम्युनिकेटर होना चाहिए जहाँ कि आप कस्टमर्स को और उनकी रिक्वेस्ट को टाइमली हैंडल करने में केपेबल हों और सारी सिचुएशंस को जो कि नेसेसरी हैं आप हैंडल कर सकें। तो आपको अपनी ऐसे क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में जो कि आपके जॉब स्पेसिफिक रोल में बहुत अच्छी तरह से सटीक बैठे। फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू प्रेफर वर्किंग अलोन और एज अ पार्ट ऑफ टीम? क्या आपको अकेले काम करना पसंद है या फिर एक टीम में? एक केबिन क्रू के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप किसी इंटरव्यू को देने जा रहे हैं तो ये आंसर काफ़ी ऑब्वियस होगा। आपको हमेशा एक टीम में वेल वर्क करने की आदत होनी चाहिए ताकि एयरलाइन की स्मूथ रनिंग बनी रहे। आपको इंटरव्यूअर को ये कन्विंस करना होगा कि आप एक अच्छे टीम प्लेयर हैं और आप सब लोगों के साथ अच्छे से अलॉन्ग साइड वर्क कर सकते हैं ताकि आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन बना रहे। पर इस क्वेश्चन में आप अपने इंडिपेंडेंटली वर्क करने की एबिलिटी को टोटली प्ले डाउन भी मत कीजिए। आप ये कन्विंस कीजिए कि आप एक अच्छे टीम प्लेयर हैं, पर साथ ही आप इंटरव्यूअर को ये भी कन्विंस करने की कोशिश कीजिए कि आप केपेबल हैं अपने फुट पर स्टैंड होने के लिए या फिर इंडिपेंडेंटली सोचने और डिसीजन लेने के लिए। और इन सब चीज़ों के लिए आपको किसी और के इंस्ट्रक्शंस पर रिलाय होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिफ्थ क्वेश्चन है, आप एक ऐसा टाइम याद कीजिए जबकि आपको एक डिफिकल्ट कस्टमर के साथ डील करना पड़ा हो और उस इशू को आपने किस तरह से रिजॉल्व किया। ये एक कन्वेंशनल है विजडम इन कस्टमर सर्विस सर्कल्स जो कि कवर करता है अबाउट आपने किसी भी सिचुएशन में, जो कि ये कहता है कि कस्टमर हमेशा सही होता है और कॉल सर्विस हैंडलर्स, रिटेल असिस्टेंट्स और वेट्रेसेस सारे वर्ल्ड में भले ही ये सेंटिमेंट पर डिसएग्री करें, पर आपको ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। और आपको इस ही सेंटेंस को याद रखते हुए अपने आंसर को फॉर्म करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन हो सकता है, हाउ विल यू हैंडल बीइंग अवे फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स? एक एयरलाइंस में केबिन क्रू की तरह जॉब करने के लिए आपको अपने फैमिली
और फ्रेंड्स से दूर रहना पड़ेगा, स्पेशली जबकि आप एक इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए वर्क कर रहे हों। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है। इसे आंसर करने के लिए आप सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसेस पर अल्यूट या ध्यान मत दीजिए, बल्कि आपको अगर ये आपका पहली बार है घर से दूर, तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप एम्फसाइज करें उन एक्सपीरियंसेस को, एक्साइटिंग बताएं और साथ ही ये दर्शाएं कि आप अपनी जॉब के लिए फुली कमिटेड हैं और आप विलिंग है एडजस्ट करने के लिए उसकी सारी डिमांड्स के साथ। सेवेंथ क्वेश्चन इज, क्या आप दूसरी एयरलाइंस की वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप नेटवाइड बेस्ट अप्रोच के लिए ट्रूथफुली कहना चाहते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि यस, आप दूसरी एयरलाइंस के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। ये सिर्फ पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को ये शो नहीं करता कि आप सीरियस है जॉब फाइंड करने के लिए एज अ एयर होस्टेस और एनी पार्ट ऑफ द कैबिन क्रू, पर साथ ही ये भी कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आप एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। पर इस चीज को ज्यादा ओवरप्ले मत कीजिए। Eighth question, what unique qualities about yourself would you bring to your company? आपके बारे में ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो कि आप इस कंपनी में लाना चाहते हैं, जो कि इसके वर्किंग में यूजफुल रहेंगी? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि मेरे पास यूनिक एबिलिटी है कि मैं एक कॉन्वर्जेशन को स्ट्राइक कर सकूं या स्टार्ट कर सकूं और एक रैपोर्ट बिल्ड कर सकूं किसी से भी। ये स्किल बहुत ही यूजफुल होती है कस्टमर सर्विस के और सेल्स के डोमेन में। नाइन्थ क्वेश्चन इज, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ? आप आज से 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं? इसका प्रॉपरली फ्रेम्ड आंसर हो सकता है कि मैं एक लॉन्ग टर्म के लिए देख रही हूँ नेक्स्ट पोजीशन में। एज यू कैन सी, आई हैड स्ट्रॉन्ग प्रोसेस प्रोग्रेस एंड करियर ग्रोथ इन माय प्रीवियस कंपनी, तो मैं इस कंपनी में भी अपनी ग्रोथ के लिए देख रही हूँ जो कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस हो सकती है। और मैं चाहूँगी कि इस कंपनी में भी जो सक्सेस रेट है या फिर प्रोग्रेस है वो सेम लेवल की हो आने वाले 5 या ज़्यादा सालों में। टेंथ क्वेश्चन, व्हाई आर यू द बेस्ट चॉइस फॉर फिनेयर? आप फिनेयर के लिए सबसे बेस्ट चॉइस क्यों मानते हैं अपने आप को? तो आपको इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं कि मैं ये फील करती हूँ कि आई एम द टॉप कैंडिडेट फॉर फिनेयर क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है और मेरी सर्विस स्किल्स काफ़ी यूनिक और अनमैच्ड है और मैं कई लैंग्वेजेस में फ्लुएंट हूँ, या फिर ऐसी सिमिलर स्किल्स को आप वहाँ पर बता सकते हैं जो कि आपको यूनिक बनाए। 11th question, tell me about a time when communication became an issue when working on a team. एक ऐसे टाइम के बारे में बताइए जब कम्युनिकेशन आपके लिए एक इशू बन गया था एक टीम में वर्क करते वक्त। आप इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं कि मैंने एक टीम में काम किया है जहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी जो कि पोटेंशियल इफेक्ट्स पे ऑन आवर एबिलिटी टू ग्रो द बिजनेस और हमको गोल्स को रीच करने में हेल्पफुल थी। हमारी टीम के हर इंसान को एक टास्क दिया गया था, जैसे कि डेटा गैदर करना और उसको एनालाइज करना। हमने उसके रिजल्ट्स टुगेदर डिस्कस किए, लेकिन हम स्ट्रगल कर रहे थे एक दूसरे के ओपिनियंस को अच्छे से सुनने में और अंडरस्टैंड करने में। तो मैंने अपने ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया और अपने सजेशंस दिए और हर इंसान के पास अपनी बात रखने का एक चांस भी दिया ताकि हम उनकी फाइंडिंग्स और ऑप्शंस के थ्रू भी हो सकें, जिससे कि हमको एक बेहतर और ज़्यादा कोलैबोरेटिव अप्रोच मिल सका
और हम हमारा गोल अचीव कर सकें। ट्वेल्थ क्वेश्चन इज, क्या वर्क सिचुएशंस आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट और एक्साइट करती हैं? आप इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं कि मैं जॉब पर सबसे ज्यादा मोटिवेटेड तब होती हूँ जबकि टास्क ऑर्गेनाइज होते हैं और वाइब्स पॉजिटिव होती हैं। मुझे एक स्ट्रॉन्ग टीम वर्क बहुत पसंद है और मैं इसकी बहुत बहुत वैल्यू करती हूँ और गुड लीडरशिप की भी। 13th क्वेश्चन, When have you had to shift your priorities in response to sudden changes? कभी ऐसा टाइम जब को आपको अपनी प्रायोरिटीज को शिफ्ट करना पड़ा कुछ सडन चेंजेस की वजह से, तो आप अपने करंट रोल के बारे में बता सकते हैं जबकि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि आपको अपनी रूटीन में या फिर रेगुलर बेसिस पे कुछ चेंजेस करने पड़े हों। Pilot's Career Guide is an amazing book written by Captain Shekhar Gupta. This book is available on Amazon.